वर्ल्ड डेफनेस डे जो कि 28 सितंबर को होता है, उसके लिए समाज के लिए हमारा एक ही संदेश है कि डेफनेस और या सुनना कम एक गंभीर समस्या के रूप में इस समाज में आ रहा है। और हमारे देश में जिसकी जनसंख्या अगर देखा जाए तो हर यू कैन से 3% 3% पॉपुलेशन डेफनेस से ग्रसित है, खासकर जो 65 साल से ऊपर की उम्र के लोग हैं जिसको हम लोग नॉर्मल मानते हैं। 65 साल के ऊपर हम सोचते हैं कि उम्र की वजह से कम सुनाई दे रहा है, लेकिन उसको भी हमको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम देखा है कि हमने जो 70-80 के लोग हैं हमारे घर में उस पर जो कम सुनते हैं तो हंसते हैं हम लोग, लेकिन वो वास्तव में ही उनके लिए एक तरह से क्रिपल्ड प्रॉब्लम पोजिशन होती है, उसको हमको ध्यान देना चाहिए। हो सके तो उनकी जाँच जल्दी से जल्दी कराएँ, इलाज हो सके तो इलाज कराएं, या मशीन की जरूरत पड़े मशीन लगवाएं, और किसी न किसी फॉर्म में सपोज़ उनके लिए कुछ चीज़ पॉसिबल नहीं है तो उसको हम लोग अपनी तरफ से कोशिश करें तेज बोलें और फेस टू फेस उनसे कम्युनिकेशन करें, जिससे कि उनको निगलेक्शन फील नहीं हो, नेगेटिव फीलिंग नहीं आए। बच्चों के बारे में ये कहा जाता है कि बच्चों को भी यदि बच्चे को आपको पैदा हुआ है आपको लग रहा है कि कुछ महीने तक वो उसको कुछ रेस्पॉन्स नहीं कर रहा, उसको भी हमको ध्यान से देखना पड़ेगा कि बच्चा रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा, कहीं ऐसा नहीं हो कि उसको सुनाई देने की प्रॉब्लम हो, तो 3 महीने 6 महीने 8 महीने पर जाके उसको ये लग रहा है कि बच्चे की आपने आवाज़ दी रेस्पॉन्ड नहीं किया तो उसको भी आप चेक कराइए। कान बह रहा है बच्चे में उसको भी लाइटली नहीं लें, जुकाम होता है जुकाम का इलाज कराइए। एडल्ट में आपको लग रहा है कि आपके घर में कोई कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, वाइफ बच्चे या आपके फ्रेंड्स सर्किल में जो भी लोग हैं लग रहा है कि कहीं उनको कोई प्रॉब्लम है कहीं बहरापन है, तो उसको निगलेक्ट नहीं करें,